श्रद्धा वालकर मर्डर में सबूतों के मोर्चे पर दिल्ली पुलिस कुछ कमजोर जरूर दिख रही है, लेकिन अब तक की तलाश में पुलिस को काफी कुछ मिल चुका है जिसके सहारे केस की बुनियाद तो ढंग से रखी ही जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की एक अंगूठी भी बरामद की है। ये अंगूठी आफताब की नई गर्लफ्रेंड से मिली है। जंगल से मिली इंसानी हड्डियां। कूड़े के ढेर से मिला कत्ल का हथियार। फ्लैट से मिले खून के कतरे। सबूत के नाम पर एक अंगूठी भी। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप पर जिस लड़की को दोस्त बनाया था उसका खुलासा तो आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान दे ही दिया, लेकिन पुलिस जब उस गर्लफ्रेंड तक पहुंची तो बात और भी ज्यादा खुलती चली गई। वो अंगूठी अब दिल्ली पुलिस के लिए चमत्कारी भी साबित हो सकती है। शायद यही दिल्ली पुलिस की इस मामले में अब तक की बड़ी कामयाबी भी है। आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या गला दबा कर की थी और फिर एक क्राइम सीरीज डायरेक्टर के जरिए उसे शव को टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगाने का आइडिया आया। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की बॉडी काटने में कई हथियारों का प्रयोग किया था, उनमें से एक आरी बरामद करने का दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। जांच में दिल्ली पुलिस को क्या क्या मिला? अभी तक दिल्ली पुलिस को आफताब की निशानदेही पर 13 हड्डियां और जबड़ा मिला है। आफताब के फ्लैट के बाथरूम और किचन के अलावा CFSL को बेडरूम से भी खून के धब्बों के निशान मिले हैं। जंगल और आफताब के फ्लैट से दिल्ली पुलिस ने कुछ हथियार बरामद किए हैं। शक है कि इनका इस्तेमाल श्रद्धा की बॉडी को काटने में किया गया। किस हथियार से काटा ये CFSL रिपोर्ट के बाद में पता लगेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास कोई चश्मदीद नहीं है, ये इस केस में सबसे बड़ी दिक्कत है। हिमाचल में आफताब से मिले बद्री की भूमिका भी पुलिस को संदिग्ध नहीं लग रही है। उसने बस इन्हें ये फ्लैट दिखवाया था। दिल्ली पुलिस ने गूगल पे, पेटीएम, बम्बल डेटिंग ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चिट्ठी लिखकर आफताब के अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी थी। पुलिस के सामने एक परेशानी ये भी है कि आफताब बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ लगता है। बिना कोई घबराहट के दिखाए पूछे गए सवालों का फौरन जवाब देता है। अब पुलिस को आफताब के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के नतीजों का इंतजार है। जिन सवालों को पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछा गया था उन्हीं सवालों को नार्को में रिपीट किया जाएगा। करीब 50 से ऐसे ज्यादा सवाल होंगे जिनका जवाब नार्को में आफताब को देना होगा। इसके अलावा इंटरोगेशन में भी बहुत ज़्यादा दिल्ली पुलिस को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस तरीके से सवालों के जवाब आफताब ने दिए हैं उन्हीं सवालों को मैश किया जाएगा और दोनों सवालों को देखा जाएगा कि इनके जवाब कितने सिमिलर हैं, और उसी आधार पर नार्को के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपने इंटरोगेशन को आगे बढ़ाती नजर आएगी। लेकिन बात इस बात की निकल के आती है कि जिस तरीके से पॉलीग्राफ और नार्को के बाद दिल्ली पुलिस के पास अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है नार्को के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंटरोगेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें फ़ायदा मिलेगा। जाहिर है कि आफताब का कबूलनामा इकलौता ऐसा सबूत है जो कत्ल की गवाही दे रहा है, मगर पुलिस को अभी बहुत काम करना है इस केस को सजा के अंजाम तक पहुंचाने के लिए।